हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंटी क्राइम सेल द्वारा संत बाबा नरेंद्र सिंह जी और संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा वालों का सम्मान। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन में संतों ने की थी लंगर के माध्यम से महान सेवा। मानवता की सेवा के लिए संत बाबा नरेंद्र सिंह जी और संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा वालों का विशेष सम्मान। जीएस बब्बर ने माना आभार। साथ ही पत्रकार दिनेश चौधरी, रविंदर सिंह मोदी और जीएस भगत, इनका भी सत्कार इस सम्मान के साथ किया गया। ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंटी क्राइम सेल के अध्यक्ष जीएस बब्बर ने संतों का आभार व्यक्त किया। संत बाबा बलविंदर सिंह जी के हाथों इस समय पत्रकार और समाज सेवा के लिए रविंदर सिंह मोदी को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। साथ ही पूर्णा परभनी जिले के पत्रकार दिनेश चौधरी को भी बाबा जी के हाथ से प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। श्री दिनेश चौधरी गुरुघर के प्रेमी हैं और उन्होंने समाज सेवा में खासा योगदान दिया है। इस अवसर पर हरदयाल सिंह संधू, गुरदयाल सिंह सिद्धू और परशन सिंह नाहिंग सहित पूर्णा और परभनी के पत्रकार उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि संत बाबा नरेंद्र सिंह जी इस समय दिल्ली की सरहद पर किसान धरना आंदोलन में सेवा कर रहे हैं। पत्रकारों ने संत बाबा नरेंद्र सिंह जी और संत बाबा बलविंदर सिंह जी का आभार माना, धन्यवाद किया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान गुरुद्वारा लंगर साहिब और गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर रामचंद नगर साहिब में फंसे हुए पंजाब और अन्य राज्यों के यात्रियों के लिए बाबा जी ने विशेष योगदान दिया था। वहीं संत बाबा बलविंदर सिंह जी ने तो कोविड सेंटर में जाकर अपनी सेवाएं दी और लंगर वितरण किया। बाबा जी अपना लंगर लेकर शहर की गली गली में पहुंचे। इस लंगर सेवा के कारण ही नांदेड़ शहर का कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोया। समाज सेवा क्षेत्र में ये दोनों संत महान नायक के रूप में उभरे हैं। हजारों श्रद्धालुओं के घर वापसी के लिए बाबा जी के प्रयास सराहनीय है। दोनों संतों ने जो सेवाएं अर्पण की है उसकी तुलना नहीं हो सकती। इन संतों की सेवा की दखल महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को भी लेनी चाहिए कि किस तरह इन संतों ने लाखों लोगों तक लंगर पहुंचाया और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई। नांदेड़ की भूमि संतों के पावन आशीर्वाद से पुनित है और यहाँ समाज सेवा के महान कार्य होते हैं। कोरोना संक्रमण काल में हजारों श्रद्धालुओं को बाबा जी ने घर वापसी कर एक बहुत ही महान कार्य किया है। इसे बाबा जी का संयम ही कहना चाहिए कि नांदेड़ में फंसे 5,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रूप से घर पहुंचाया। साथ ही महीनों तक लंगर सेवा भी अविरत रूप से जारी रखी गई। यह वो दृश्य है जब नांदेड़ में फंसे यात्री सुरक्षित रूप से सरकारी बसों में बैठकर अपने घर वतन वापसी करते हुए। बाबा जी की सेवा देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, यहाँ तक कि सरकारें भी हैरत अंगेज हो उठी। आई किसी के बच्चे, किसी के बुजुर्ग घर में और उसकी याद आती थी, और किसी का खेती का काम था इसलिए किसी को कोई काम था, मजबूरियाँ थी, और इसलिए हम भी बार बार रिक्वेस्ट करते थे सरकार को कि हमारे को परमिशन दी जाए। उस टाइम जो भारत सरकार ने सेंटर से ये परमिशन दिया, यहाँ पर हमारे पास चिकलीकर भी बैठे हैं और भी जितने जितने सभी लोग हैं जिसने इसमें सहयोग दिया है, बहुत ही अच्छा है और सबका ही फर्ज बनता है इस संकट की घड़ी के बीच सबका सहयोग दें। हमारे इन दो संतों ने सेवाओं के सारे आयाम पूर्ण करके आज एक राष्ट्रीय संत होने का दायित्व पूरा किया है। अब आज से हम इन्हें राष्ट्रीय संत के रूप में ही संबोधित करें ताकि इनकी सेवाएं अजरामर हो सके। मानवता पर संकट के रूप में आया कोरोना काल कोई भुला नहीं पाएगा। ऐसे कठिन सेवा में जिन्होंने सेवाएं अर्पण की उनकी उपलब्धियां कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। स्मरण कीजिए कि जिस समय कोरोना का काल था यहाँ कितने लोग विवश और परेशान और हताश दिखाई दे रहे थे। गुरु महाराज ने इन संतों को आशीर्वाद प्रदान किया और संतों ने अपनी सेवाएं इस तरह निभाई कि सारी दुनिया इसे वाह वाह कर बैठी।
कर्फ्यू और लॉकडाउन के समय भी हमारे संत बैठे नहीं रहे, वो सड़क पर निकलकर सेवाओं में शामिल हुए। हर तरफ सन्नाटा और स्तब्धता थी, लेकिन संत बाबा बलविंदर सिंह जी रास्ते पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, हर किसी इलाके में जाकर अपना लंगर वितरण कर रहे थे। संत बाबा नरेंद्र सिंह जी की सेवाएं 2400 घंटे जारी थी। उस टाइम जहाँ जहाँ भी लोग ठहरे थे, यात्री लोग गए थे, वहाँ वहाँ ही जो लोग रुके हुए थे, ऐसा ही नरेड के अंदर जो गुरुद्वारा सचखंड साहब की धरती पे यात्री यात्रा संत बाबा बलविंदर सिंह जी आस्था सहित हजूर साहब के प्रत्येक बाशिंदे की चिंता करते हैं। उनके हाथों से जब सम्मान और सत्कार प्राप्त होता है, कार्य करने की आत्मिक ऊर्जा और बढ़ जाती है। ऐसे संत जो प्रेरणा देते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, उनकी सेवाओं को अजरामर करना हर हजूर साहब के बाशिंदे का कर्तव्य है। बाबा जी लंगर हो, वैद्यकीय सेवा हो, एजुकेशन हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, हर सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। श्री जी एस बब्बर ने बाबा जी का विशेष आभार माना है और उनकी सेवाओं के लिए उनका सम्मान किया है। हजूर साहिब टुडे के लिए मैं रविंद्र सिंह मोदी, नांदेड़ हजूर साहिब।